गणित शिक्षण किट में एक और टूल है कंपस। गणित किट में उपलब्ध कंपस इस तरह का होता है। ये प्लाईवुड का उपयोग करके अच्छी तरह से तैयार किया गया है। ये मजबूत है और इसमें दो चल सुई हैं, एक स्थिर और एक चलती है। इसकी दो भुजाएं हैं या पंख कह सकते हैं। तो हमें दो रेखाओं के बीच के कोण को मापना होगा। इसे हम खुद कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। मैं एक ड्राइंग शीट का उपयोग कर रहा हूँ। ड्राइंग शीट का आधा हिस्सा, ड्राइंग शीट का हम केंद्र ढूंढते हैं। ये केंद्र है। एक प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके हम एक आधवृत्त खींच रहे हैं। हमारे पास इतना बड़ा प्रोट्रैक्टर शायद ना हो, तो हम एक धागे को पेंसिल से बांध सकते हैं, इसे केंद्र में रख सकते हैं, इसे यहाँ रख देते हैं और एक अर्धवृत्त खींचते हैं। अब हमने क्या किया, हमने मूल कंपास का आधा आकार तैयार किया है जो गणित किट में उपलब्ध है। हमारे पास 0 से 180 अंश हैं। अब हम 180 अंश को माप सकते हैं। तो हम उच्च कोण या न्यूनतम कोण मापने के दौरान हम क्या करेंगे, पहले 90 अंश कहाँ है। अगर मैं इस शीट को ऐसे मोड़ता हूँ तो मुझे 90 अंश मिल जाएंगे। ये 90 अंश हैं। यहाँ 10 अंश को चिन्हित कर लेते हैं। बीच में मैं किट का कंपास उपयोग कर रहा हूँ। हमें एक एक अंश मापने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए हम यहाँ पर अंकों को चिन्हित कर रहे हैं। ये 90 है, ये 80, ये 70 है, 120। तो इस तरह हर 10 अंश के लिए एक रेखा खींच सकते हैं प्रत्येक कोण के लिए। ये शुरुआती बिंदु है, ये 0 है। यहां अंश लिखते हैं, अंश का चिन्ह ये है। अब एक अर्धवृत्त पर हम 0 से 180 अंश तक खींच सकते हैं। ये एक पतली ड्राइंग शीट है, हम इसे मजबूत बना सकते हैं, नहीं तो ये ज्यादा नहीं चलेगी। एक कार्डबोर्ड को नीचे लगा के और इस ड्राइंग शीट को कार्डबोर्ड पर चिपका देते हैं। ये कैसे दिखता है, आइए देखते हैं। ये इस तरह से दिखेगा। अब ये मजबूत बन गया है। अब इस कंपास का उपयोग करके किन कोनों को मापा जा सकता है, हम कोनों को कैसे मापेंगे। हम ड्राइंग शीट को थोड़ा मोड़ सकते हैं, शीट में से एक छोटा सा टुकड़ा, इसे एक तरफ क्षैतिज रख लेते हैं। ये स्थिर रेखा है, ये चलती रेखा है। इस चलती रेखा के साथ हम क्या कर सकते हैं, कोनों को ढूंढ सकते हैं। यदि इसे यहाँ रखें तो ये कौन सा कोण हो गया, कोई भी यहाँ इसका अंक नहीं देख सकता। ये कोण कितना है तो हमें अनुमान लगाना होगा। तो ये खेल के रूप में लिया जा सकता है। जब मैं अनुमान लगाता हूँ, यदि चलती रेखा यहाँ है और अगर मैं इसे 100 कहता हूँ तो मैं गलत कह रहा हूँ, ये 70 के नीचे है, 67 सही है। कोई भी संख्या जो हम अनुमान लगाते हैं कि यदि 5 अंश के विचलन के भीतर है
तो मैं जीतता हूँ, नहीं तो मैं हार जाता हूँ। हम इस तरह का खेल खेल सकते हैं। ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, ये 150 अंश है। इसे कक्षा के दरवाजे के पास भी लगाया जा सकता है, हमारे खुद की कक्षा के। ये दहलीज है और ये दरवाज़ा है। जब दरवाज़ा खुलता है तो दरवाज़ा किस कोण पर खुलता है? क्या ये 40 अंश, 90 अंश, 100 या 130 अंश पर खुलता है? इस तरह हम सिखा सकते हैं। और अगर इसे इस तरह से खुला रखा तो ये 180 अंश है। इस तरह इस TLM का उपयोग करके हम अलग अलग खेल भी खेल सकते हैं।